Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. In the previous two episodes, we had talked about the whole cosmos, the whole creation being just imaginary, and it exists only in the appearance. I mean, it does not have its own existence. Now, we had talked about two angles from which we can understand how this whole creation is just imaginary, not real. One angle is until a person realizes the three universal principles, not individual principles, but three individual principles, which is the energy of consciousness, the pure energy of consciousness, the prakriti, and multiple jivatmas. Until we understand these three universal principles, the whole creation will look as if it is real, right? And for the person who is aware of these three principles, for him or her, this universe, this Brahman, is just imaginary. This is one angle. The second angle is that we can understand this whole creation being imaginary by the fact that we cannot hold anything in our life. We cannot hold air, we cannot hold water, we cannot hold anything we cannot hold. We cannot hold any process of life. So the whole life, the whole creation is imaginary for that person. So from these two angles, we can understand this fact very easily. Now, we will be talking about the third angle also. From the third angle also, we can understand this fact that this whole universe, this whole creation is just imaginary, is just in appearance, it is not real. Sharma ji, तीसरा एंगल क्या हो सकता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो पूरा जगत है वो असत्य है या काल्पनिक है और ये रियल नहीं है, ये कल्पना मात्र है। इसमें योगिक साइंस जो है और आध्यात्मिक लाइन जो हमारी योगिक विज्ञान के माध्यम से ये अभी तक जितने भी हमने संदेश दिए हैं एपिसोडों में, तो इसमें हमने यही एक एपिसोड में हमने ये बता दिया था कि ये जगत मिथ्या है। तो उसी पे बहुत सारे लोगों के अपने विचार इस प्रकार के आ गए कि जगत मिथ्या कैसे कह सकते हैं। तो अभी दूसरा एपिसोड जो है जगत मिथ्या पे बनाया जा रहा है और इसको जगत मिथ्या का बताया जा रहा है कि इस तरीके से जगत मिथ्या है और उसको प्रमाणित भी किया जा रहा है कि जगत किस तरीके से मिथ्या है। तो इसमें जो तीसरा जो आपने बताया कि दो एंगल जो उसमें साकार और निराकार हैं, साकार निराकार, साकार में ज़्यादा घनत्व है इसलिए साकार बहुत आसानी से हमें दिखाई भी देता है, पकड़ में भी आता है, समझ में भी आता है। हम इसको समझने के लिए और हमें ये प्रमाणित होता है कि ये सब है। तो ये जो चीज़ है, ये घनत्व ज़्यादा, जो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, जो तीन फार्मूले हमने पहले बताए थे, इन तीन फार्मूलों की ये सारी गणना है उनकी और उनका ये सारा निर्माण प्रक्रिया है। तो वो कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस विषय पे भी हमने पहले बात कर चुके हैं। तो इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि जगत मिथ्या कैसे है, जगत काल्पनिक कैसे है, और जिसे हम हर एंगल से सत्य देखते हैं तो उसे हम कैसे काल्पनिक क्यों कह रहे हैं, क्या कारण क्या है ऐसा जिसे वो काल्पनिक है। तो इसमें साकार और निराकार जो प्रक्रिया है, साकार जैसे हमने घनत्व बोला, निराकार में कम घनत्व होने से हमें समझ में नहीं आती है कुछ निराकार की चीज़ें, हमारे संग अगले ही पल कौन सी घटना घटने वाली हमें समझ नहीं आ रही है। मगर साकार में हमें ये तुरंत समझ में आती है कि हमारे शरीर में अभी थोड़ा दर्द होने लगा तो हमें बुखार आने वाला है, तो साकार में बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं क्योंकि घनत्व और स्लो प्रक्रिया है, धीरी प्रक्रिया है, धीमी वजह से इसे हम पकड़ लेते हैं। इसमें जिस वक्त हम परमात्मा की बात करते हैं, और हमने जो पहले गति की बात करी थी, शब्द की बात करी थी, शक्ति की बात करी थी, अगर हम उस आकार पे चले जाते हैं तो आकार इतना सूक्ष्म और इतना संवेदनशील है आकार, कि उस आकार को और उसकी गति जो रफ्तार है उसके चलने की, वो एक
मतलब सोचने से हमारे बाहर है, देखने से हमारे बाहर है, कई चीज़ों से हमारे बाहर है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं, मगर ऐसे आकार को किसी भी यंत्र से जब ही नापा जा सकता है जब उस आकार की गति से ज़्यादा तेज गति में कोई यंत्र बने और उसको देखे। और वो अनेकों आकार जो हैं जो आज तक की हमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये आकार यहाँ हैं, जब ये आकार समझ में नहीं आ रहे हैं तो संसार के जितना आपने समझा है वो भी आपके सही नहीं है। और जब आकार समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब संसार बिल्कुल आपकी सही नहीं है, और बिल्कुल ये आप इसको प्रमाणित नहीं कहते क्योंकि वो आपकी पकड़ में नहीं है, समझ में नहीं है, देखने में नहीं आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, समझने में नहीं आ रहा है। जब किसी तरीके से संसार आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी एक चीज़ को लेकर के संसार सत्य है ये कैसे कह सकते हैं कि साकार सत्य है? साकार में निराकार है, निराकार में वो परमात्मा की जो आकार की शक्ति है वो है। तो अभी ये तीनों एंगल आपको समझ में नहीं आए हैं और संसार को सत्य आप कहने लगे, तो ये मैंने इस एक अगर जैसे हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए, हम ये कह दें कि किसी टीचर को हम ये क्लासरूम में कह दें, चाहे वो किसी भी क्लास का हो या हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस क्लास का है, तो अगर हम उसको टीचर को ये बता दिया जाए कि हम भाई आपको ये घटाना और बढ़ाना और क्या नाम घटाना और जोड़ना और भाग करना और गुणा करना, ये चार चीज़ें देते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा, हमने चौथी स्थिति बताई थी आपको ब्रह्मांड के बाहर की स्थिति, जो हम ब्रह्मांड को बाहर से देखते हैं तो वो अंडाकार दिखाई देता है, तो ये चौथी स्थिति हमने बताई। हमने अभी आपको चार चीज़ें भी यहाँ पे बताई हैं कि जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना। अगर हम ये फार्मूला किसी टीचर को दे दें और ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल दें कि ये फार्मूला पढ़ाएं और गिनती ना दें और ना गिनती उसकी समझ में हो, तो ये जो फार्मूला है ये ब्लैक बोर्ड पे या अपने बातों से या समझा करके कितना भी आप समझा लो बच्चों को, अगर मैं एक घंटे के बाद में कितना आपने समझा और कितना बच्चों ने समझा, एक घंटे में क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? पहली बात तो वो टीचर समझा ही नहीं पाएगा, रिजल्ट ही नहीं, टीचर के पास डिजिट ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, डिजिट नहीं, तो प्लस किसको करेगा और माइनस किसको करेगा? तो समझाते रहो, टाइम ज्यादा ले लो, पीरियड जो आप ले रहे डबल दो पीरियड ले लो, समझाओ आप। तो ऐसे ही संसार, ये जो तीन प्रिंसिपल हैं उसके तीन तरीके हैं, जो आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, जिसे आप प्रकृति भी बोलते हो, जीवात्माएं बोलते हो और क्या नाम शक्ति बोलते हो कि ये परमात्मा की शक्ति है। तो ये जो तीन उसके हैं, तीन से मैंने पहले ये बात कही थी कि तीन से मैंने चौथा निकलता हुआ इसमें से नहीं देखा और ना बनते हुए देखा, मगर ये तीन के तीन ने के ही सारी ये संरचना है जो नाना प्रकार है, सारा जो सारा का सारा आप देख रहे हैं तीन की सारी संरचना है। तो ये तीन ने खरबों अरबों, हम तो गिनती ले रहे हैं कि खरबों भी अगर अरबों खरबों भी बना लो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और अगर ये तीन ही रहे तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो जब कोई इसका परिणाम ही नहीं निकल रहा है, जब परिणाम निकल रहा है तो इसको कैसे कह सकते हो कि ये संसार जो है जगत ये सत्य है? ये मैंने आपको इसका एक तरीका बताया। दूसरा तरीका, इसके दूसरे तरीके से मैंने संसार मिथ्या एक और आपको एक ढंग देते हैं कि अगर किसी बीज को, जैसे एक आम के बीज में एक आपके घर में रखा हुआ वो बीज सालों साल रखा, बीज के अंदर सारे उसके पत्ते, फूल, जड़, डाल और उसका बोर और फल सारे उसके अंदर निकलने लगने के लिए व्याकुल हैं, और वो व्याकुल हैं और वो चल चल अंदर अपने खलबली मचा रहे हैं, अंदर वो चल रहे हैं, उसके अंदर उनकी चंचलता बनी हुई है, तो क्योंकि उनमें चेतना तो है, क्योंकि वो बीज उग सकता है अगर कहीं बोया जाए तो चेतना तो है, तो चेतना के कारण वो चल रहे हों
और चल रहे हों और कोई आदमी अंदर हो, बीच के अंदर हो और अंदर ही हम बैठे हों, हम खुद ही अंदर बैठे हों, तो हम अंदर देखें कि अरे देखो भाई साहब यहाँ पे पेड़ पौधा था और यहाँ पे ये आम लगा हुआ, अब इसका जूस निकालते हैं, तो हम जूस कैसे निकालेंगे उसका, क्योंकि ये बीज के अंदर का आम है। जब तक बीज को हम किसी चीज में नहीं बोएंगे, जब तक हम ब्रह्मांड को कहीं बोएंगे नहीं, ब्रह्मांड रूपी बीज को हम नहीं अंडे को बोएंगे, तो उसमें से जो उथल पुथल यहाँ हो रही है ये उगेगी नहीं, तो इसका हम जूस का फायदा नहीं ले सकते। तो ऐसे ही हम बीज के अंदर हैं, हम जैसे ब्रह्मांड के अंदर हैं, ब्रह्मांड के अंदर की उथल पुथल को हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसका जूस निकाल के और आम का जूस पी लेंगे, तो ये असंभव बात है। तो इसलिए ये जगत इस भी एंगल से ये मिथ्या ही साबित होता है, ये कहीं से ये प्रमाणित नहीं होता है, ये इसका दूसरा एंगल था। अगर हम इसके जगत को, अगर हमने आपको साकार निराकार से भी समझाया कि अब उसमें आकार की गति है, तो ये उसका तीसरा एंगल था। मैंने आपको ये समझाया कि जी ये जो है एक फार्मूला है, ये उसका एक एंगल था। ये जो तीन एंगल से मैंने आपको ये जगत ना होने के बारे में और जगत मिथ्या होने के बारे में, काल्पनिक होने के बारे में, तीन तरीके से ये चीज़ मैंने आपके सामने समझाने का प्रयास किया। और इसमें अगर ना भी समझ आए या किसी तरीके का संदेह हो, तो सत्येंद्र जो है आपको एक आपकी बार फ़ोन नंबर भी दे देंगे और अपना भी फ़ोन नंबर दे देंगे, तो वो फ़ोन के द्वारा किसी के द्वारा अपने सारे वो बता देंगे, अपने जिस तरह जहाँ से उनको वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से अपने जो है आप विचार रख सकते हैं और अपने संदेह है जो आपके दिमाग में किसी तरीके का और कोई दुविधाजनक बातें आ रही हैं, तो वो उन पर आप उनको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये एपिसोड के माध्यम से हम इसलिए बैठे हुए हैं दोनों लोग कि हम किसी भी आध्यात्मिक और साइंस और जगत और जितने भी सभी तरीके की जो संदेह हैं उनको बिल्कुल एकदम ख़त्म किया जाए। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि जो आप ज्ञानवान बने हो, वो आपके ज्ञान को हम उस ज्ञान की स्थिति में ले जाएं जहां पर आप इन तीन के अलावा कुछ नहीं जानते। तीन को ही जानेंगे तभी आप ज्ञानवान होंगे, उसी को ज्ञान कहते हैं। ये नाना प्रकार के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। तो इसलिए हम उस जगह पे आपको ले जाने के प्रयासरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हम बार बार आपको इस चीज़ पे आपको सहयोग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इसमें रहें और इसी तरीके से हम इसको देखें और देखने समझने के बाद इसे समझें और अपने को इस बात से सुधार लें कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। सब चीज़ें हम नहीं समझाना चाहते, सिर्फ तीन ही चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं, सब चीज़ें हटाना चाहते हैं, तो सभी ज्ञान हटाना चाहते हैं, तीन का ज्ञान अनुभव, अनुमान नहीं, अनुभव कराना चाहते हैं। इस विषय पर हम प्रयासरत हैं और सत्येंद्र भी प्रयासरत हैं। अब आप जो है सत्येंद्र जो है आपको इस बारे में बताएंगे। ओके, लेट मी फर्स्टली मेक यू अंडरस्टैंड द थर्ड एंगल फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट द होल क्रिएशन, द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड इज इमेजिनरी। You see, we are well aware of the Sakar and Nirakar. Sakar means Naam Roop. And Nirakar, when we die, we get into a state which is called Nirakar. So we understand Sakar and Nirakar, but we never understand Akar, the basic principles. What is Akar? Akar is the three basic principles, three universal basic principles. Is the Akar, right? Now the basic Akar is, the basic shape is the vertical line of energy of consciousness, and a horizontal line, or you can say the egg-like structure, the which is horizontal. Okay, this is the Prakriti or Atma. So this is the basic structure, right? And this basic structure is produced as in the form of multiple jivatmas. So this is the basic structure, basic principles, and this is the basic structure of this whole creation. So until we understand this basic structure, these basic principles,
the whole universe, the whole creation is nothing but something imaginary, something which only appears but not substantial. What is substantial? Substantial is the three principles, the akar, the basic shape of the universe. And this akar, this basic shape, is or it only exists in the whole creation, the basic shape, the basic akar, and nothing else exists. Whatever exists, whatever appears, it is the combination, in different combination and permutation, this basic akar exists, right? For example, who are we? We are the collection of this akar, basic principles. When we die, the concentration or the density of this base, this akar, it gets reduced, right? So if we have this understanding of the basic principles, that the basic principle only exists, nothing else exists, there is no fourth thing which exists, okay, then we will be in a position to say, to understand that this whole creation is nothing but imagination, or only it exists in appearance. Now friends, one more thing I would like to all of you to appeal is that if you have any query, any suggestion even, you can contact me. I'll give you my number and Sharma's number at the bottom of the YouTube video. So hopefully, I'm looking forward to your comments and your questions. Thank you.